दोस्तों आपने हार्ड डिस्क रिकवर के बारे में तो न जाने कितनी ही बार सुना होगा, साथ ही साथ आपने हो सकता है कई बार हार्ड डिस्क को रिकवर किया हो या फिर किसी और से हार्ड डिस्क को रिकवर करवाया हो। अगर आप जानना चाहते हैं हार्ड डिस्क रिकवर क्या होता है और ये कैसे काम करता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हार्ड डिस्क रिकवर होता क्या है। मान लो आपके पास कोई डेटा है यानी आपकी कई सारी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वे अगर आपसे गलती से डिलीट हो जाए तो आप उन्हें फिर से रिकवर कर सकते हैं, यानी कि डिलीट हुई फाइल्स को आप फिर से वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये होते हैं हार्ड डिस्क रिकवर। और बात करते हैं ये काम कैसे करता है। हार्ड डिस्क रिकवर करने के लिए कई सारे टूल्स आते हैं या फिर कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपके हार्ड डिस्क के डेटा वापस रिकवर करवा देते हैं। बात करें ये सॉफ्टवेयर या फिर टूल काम कैसे करते हैं। मान लो आपके हार्ड डिस्क में आपने कोई कई दिन पहले कोई फोटोज अपलोड की थी, वे फोटोज आपने डिलीट कर दी, इसलिए वे फोटो वहां से चली गई। मगर जो फोटो हार्ड डिस्क ने डिलीट की थी वे फोटो हार्ड डिस्क सिर्फ उनकी बाइनरीज हटाता है, उन फाइल्स को नहीं हटाता। इसलिए जितनी भी आप रिकवरी टूल्स काम में लेते हैं वे उनकी बाइनरीज को फिर से रिकवर करते हैं, साथ ही साथ वहां पे देखते हैं कि इसकी क्या डिलीट किया गया था और उन सभी फाइल्स को आपके सामने वापस दे देते हैं। मगर आपने कई बार देखा होगा कि डिलीट की गई फाइल्स की आप नेम वापस नहीं देख सकते, यानी कि आपने जिस नाम से सेव किया था वो नाम आपको कभी कभी मुश्किल से ही देखने को मिलता है। मगर ये कभी कभी होता है क्योंकि हार्ड डिस्क उनकी सिर्फ नेम को हटाता है, साथ ही साथ उनकी बाइंडिंग को हटाता है, उन फाइल्स को डिलीट नहीं करता। इस कारण उन्हें फिर से रिकवर किया जा सकता है, मगर उनके जो आपने नेम रखे थे वे आप वापस नहीं ले सकते। ये होते हैं हार्ड डिस्क रिकवरिंग काम। जो मैं आपको पता चल चुका होगा हार्ड डिस्क रिकवर कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।